अगर आप एक वीडियो क्रिएटर है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी भी हेल्पफुल हो सकती है। अगर आपके पास एक फ़ोन है उसमें आपको जो है 3.5 लग नहीं देखने को मिलता तो ये गैजेट जो है आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है, जो कि आपके आईफोन में भी लग जाएगा और टाइप सी पोर्ट में भी लग जाता है, यानी लाइटनिंग और जो है टाइप सी पोर्ट इसमें आपको देखने को मिलता है। प्लग एंड प्ले है, यहाँ पर ब्लूटूथ का यूज़ नहीं होता है और किसी ऐप का भी यूज़ नहीं होता है। वाईफाई के थ्रू ये काम करता है तो यहाँ पर लेटेंसी आपको काफ़ी कम देखने को मिलती है, जिससे क्या होता है कि आपके आवाज़ और आपकी जो लिपसिंग होती है वो जो है एकदम एक साथ मैच रहती हैं। नॉइज़ कैंसिलेशन भी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। कैसी क्वालिटी है आगे बात कर लेते हैं। और हाँ, यहाँ पर जो है आपको बैटरी मिलती है, चार्ज करने के लिए जो है यहाँ पर केबल भी देखने को मिलती है, सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ और आपको बताता हूँ कैसी क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। पैकेट को अनबॉक्स कर लेते हैं। इस तरह का बॉक्स देखने को मिलता है, मैक ब्रांड है और यहाँ पर जेन्युइन मोबाइल एसेसरीज। इसको कर लेते हैं ओपन। ओके, इसको एक और डब्बे के अंदर डब्बा, ये खाली, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर ना कुछ इस तरह का जो है माइक देखने को मिल जाता है। इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर जो है कुछ फीचर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे वायरलेस कनेक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलती है, लाइव शो, लाइव इंटरव्यू और शॉर्ट ब्लॉग के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो मॉडल है यहाँ पर जो है MK8 देखने को मिल जाता है, सिंगल माइक यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर आपको दो वाले लेने हैं तो आपको जो है ये मॉडल लेने पड़ेंगे। एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में ये चलने वाला है। प्लग एंड प्ले और जो है 20 मीटर की रेंज, ठीक है। ऑडियो क्वालिटी आपको जो है प्रीसियस देखने को मिलेगी और कुछ इस तरह का जो है यहाँ पर माइक देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये निकाला भाई, ये माइक है, इसको जो है आप अपने कॉलर पर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है इसको चार्ज करने के लिए आपको यहाँ पर टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये जो है आपके फ़ोन में लगेगा, जैसे कि ये फ़ोन है मेरे पास, इसको आप अपने फ़ोन में जो है सिंपली सीधा प्लग कर सकते हैं, ठीक है। प्लग किया और ये जो है यहाँ पर पावर लेगा और इसे चल जाएगा। इसको जो है आप इसको कनेक्ट करेंगे, बटन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको ग्रीन लाइट देखने को मिलेगी, यानी कि जो है ऑन हो चुका है। टाइप सी टू टाइप ए यहाँ पर आपको जो है एक यहाँ पर अडेप्टर देखने को मिलता है, आईफोन के लिए भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको देखने को मिलती है एक केबल, जो कि भाई टाइप ए टू टाइप सी है। बाकी यहाँ पर जो है आपको एक यूज़र मैनुअल देखने को मिल रहा होगा। क्वालिटी मुझे जो है अच्छी इसकी देखने को मिली है। यहाँ पर जो है चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर जो है लगभग सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाती हैं। अभी जो ऑडियो आपको सुनाई दे रही है ये जो है यहाँ पर आपको नॉर्मल फ़ोन के माइक की देखने को मिल रही है, ठीक है। इसको कनेक्ट करने के बाद जो है कैसी क्वालिटी देखने को मिलती है यहाँ पर मैं बताता हूँ। मैं अभी जो ऑडियो आप सुन रहे हैं आप इसी माइक से सुनाई दे रहा होगा आपको, और क्वालिटी मुझे जो है उतनी बढ़िया नहीं लगी। जरा सी ना आवाज़ जो है यहाँ पर फट रही है, कहने का मतलब उतनी क्लियरिटी नहीं है। हाँ, साउंड आपको जो है जरा तेज सुनाई दे रहा होगा। अगर आप जो है हल्के बात करेंगे तो यहाँ पर जो है क्वालिटी आपको ठीक जैसी देखने को मिलेगी, मगर जरा सी जो है अगर आप लाउडली बात करेंगे तो वहाँ पर क्वालिटी जो है यहाँ पर जरा दिक्कत कर सकती है। वैसे प्राइस के हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और अगर हाँ इसको जो है आप चार्ज जरूर कर लेना। जैसे आप इसको लगाते हैं तो ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो जाता है, जो फोन में आप लगाते हैं वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।